हाय दोस्तों, मैं हूँ सेफ महेश राम और आज मैं लेके आया हूँ मेथी मलाई मटर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कप मटर लिया हुआ है हमने, इसको बॉईल करने एक साइड में रख देते हैं। एक साइड में हम मसाला बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। इसमें जीरा 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। मैंने काजू लिया हुआ है 10 से 12 पीस। मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून जिंजर, 4 मैंने ऑनियन लिया हुआ है मीडियम साइज, 1/2 टीस्पून होने तक हम भून लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ब्राउन नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इसको पकाना है ढक के। इसमें हम 3 हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल स्लो कर देते हैं हाथ से। और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये तकरीबन हो चुका है, नरम हो चुका है दोस्तों। तो इसको हम अभी एक प्लेट में खाली कर लेंगे। अब ये ठंडा हो जाने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम किसी भी प्रकार का मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेथी मलाई मटर है तो मलाई इसमें इम्पोर्टेंट है, तो मलाई हम भी ऐड करेंगे इसमें। जो हमने फेंट लिया है 1/4 कप, उसको हम ऐड कर लेते हैं। रेड ग्रेवी में सब्जियां खा खा के अगर आप लोग बोर हो चुके हो तो ये जरूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट और कुछ डिफरेंट बनता है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर जो मैंने बॉईल कर रखा था। दोस्तों, अगर आप चाहें तो फ्रेश मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको तल लें, लेकिन हम आज कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, जो मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया हुआ है।
अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप नमक पहले भी ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग पहले भी डाल चुके हैं, तो इसमें हम स्वाद अनुसार चेक करके डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, जो मैंने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है। अब इसको हम ढक के स्लो आंच में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों हो चुका है 7 मिनट के आसपास। अब इसका हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। एक्चुअली मेथी मलाई मटर ऐसे ही बनता है, किसी भी प्रकार का मसाले का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, और आप ऐसे ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सिंपल रेसिपी है ये और बहुत स्वादिष्ट भी है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, उसी से आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।